मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक हाई क्लास कार, इंडिया की सबसे बेहतरीन सेडान्स में से एक लेके आया हूँ मैं आपके लिए आज हमारे चैनल ऑटो सिंह पे, और आपके लिए लेके आए हैं दी होंडा अमेज आई वी टेक। ये अमेज का पेट्रोल वेरिएंट है। अमेज अब फिलहाल पेट्रोल में ही आती है, होंडा डीजल प्रोडक्शन बंद कर चुका है। तो आप देख रहे हैं ये होंडा अमेज आई वी टेक आपके लिए लेके आए हैं। होंडा अमेज का ये मिड वेरिएंट है, यानी कि मिडिल क्लास के लिए मिड वेरिएंट, दैट इज़ दी एस वेरिएंट। देखने में अगर एस वेरिएंट की हम बात करें तो वी जो टॉप एंड वेरिएंट है वीएक्स, उसके कंपैरेटिवली कुछ भी फ़र्क यहाँ पे मुझे नहीं दिखता है। गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करते हैं, ये वीडियो होने वाला है गाड़ी के ओवरव्यू के बारे में कि गाड़ी है कैसी, उसके बाद आपको अगले एडिशन में और भी गाड़ियाँ दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले ये फ्रंट है गाड़ी का, फ्रंट में शानदार जो बोनट है वो नीचे फ्लो करता हुआ, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेंटर में होंडा का लोगो, यहाँ पे आपको क्रोम जो है ये पूरा का पूरा सेंटर से जाता हुआ आपको यहाँ पे पूरा हेडलैम्प पे फ्लो करता हुआ है, आपको यहाँ पे आप क्रोम मिल जाता है। क्रोम के नीचे आप देखेंगे तो ये बड़ी ही शार्प हेडलैम्प्स, मेरे ख्याल से यही एक ऐसी चीज़ है गाड़ी को जो इतना शानदार लुक देती है। ये आपको यहाँ पे भी क्रोम वेरिएंट है। वैसे आपको ये बता दूँ ये गाड़ी सचिन की है और ये गाड़ी एकदम स्टॉक कंडीशन में है, इस गाड़ी में फ़िलहाल कुछ भी काम नहीं हुआ है। पता है आपको इस गाड़ी में मड फ्लैप्स भी नहीं लगे हैं, तो ये स्टॉक कंडीशन गाड़ी की है। चलिए वापस आते हैं नीचे, हम देख सकते हैं ये गाड़ी का बम्पर यहाँ पे, बड़ा ही शाद सा बम्पर, और नीचे ये स्टाइल वेरिएंट थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए थोड़ा सा इस बम्पर को और स्ट्रेच करा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉग लैम्प की हाउसिंग है, क्रोम गार्निश यहाँ पे आपको स्टॉक मिलती है यानी कंपनी से ही मिलती है, और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग मिलती है। फिलहाल फॉग लैम्प इसमें नहीं है, आप इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। आते हैं हेडलैम्प यूनिट की तरफ, तो ये हेडलैम्प यूनिट में आपको DRL मिल जाते हैं यहाँ पे, डे टाइम रनिंग LEDs, साथ ही साथ आपको इंडिकेटर्स भी यहीं पे आपको मिल जाते हैं, और ये हेलोजन बेस्ड आपको हेडलैम्प्स गाड़ी में मिलते हैं। चलिए फ्रंट के साथ साथ अब आ जाते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे, लेकिन साइड प्रोफाइल पे आने से पहले आपको सबसे पहले टायर प्रोफाइल के बारे में बता देते हैं। ये स्टॉक कंडीशन टायर्स हैं, वेक्ट्रा के आपको इसमें टायर्स मिलते हैं, 175/65R14 टायर मिलते हैं, 14 इंचज़ के टायर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। सचिन प्लीज़ इसमें मड फ्लैप लगवा लेना भाई, बिना मड फ्लैप की गाड़ी में अच्छा नुकसान हो जाता है। आगे आपको डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स गाड़ी में मिल जाते हैं। बम्पर में अगर आप देखेंगे तो ये हाउसिंग जो है ये एयर पासिंग के लिए है, जो कि गाड़ी को एरोडायनामिक्स अच्छी प्रोवाइड कराती है। गाड़ी के ORVM की तरफ आते हैं तो ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, आपको आप अंदर से इनको ऑपरेट कर सकते हैं। LED ब्लिंकर जो हैं यहाँ पे, आपको इंडिकेटर जो हैं यहाँ पे, आपको फेंडर की जगह ना मिलते हुए आपको सीधा आपके ग्लास पे मिल जाते हैं। बॉडी कलर्ड ही डोर हैंडल्स आपको गाड़ी में मिलते हैं। इसके साथ साथ आप पीछे आते रहेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वही बॉडी कलर डोर हैंडल्स के साथ साथ पीछे अब आपको टेल लैंप यूनिट की तरफ ले आते हैं। बड़ी आकर्षक टेल लैंप यूनिट आपको इस गाड़ी में मिलती है, कंप्लीट LED सेटअप है इस टेल लैंप का। हाँ, ये जो ब्रेक लाइट है, नाइट लाइट है, ये LED है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हैलोजन बेस्ड है। इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है आपको, रिवर्स यहाँ पे मिल जाता है, और ये आई वी टेक का बैजिंग जो कि इस गाड़ी को बनाता है वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट इंजन इन द कंट्री, ये आई वी टेक इंजन। इसके साथ साथ इसकी रिफाइनमेंट बहुत ही ज़बरदस्त, आपको होंडा का लोगो पीछे भी मिल जाता हुआ, ये अमेज आपको यहाँ पे अमेज का लोगो मिल जाता हुआ, ऊपर आप देखेंगे तो आपको शार्क फिन एंटीना गाड़ी में मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक स्टॉप माउंट लाइट आपको मिल जाती है पीछे भी, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आपको ये क्रोम गार्निश पीछे भी मिलती है। ये भी किसी एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, ये भी आपको डायरेक्टली कंपनी स्टॉक मिलती है। आपको 4 पार्किंग सेंसर गाड़ी में मिल जाते हैं जो कि आपको पार्किंग में असिस्ट करते हैं, आपको कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये 4 पार्किंग सेंसर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं। चलिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे फ्यूल के लिए जो लिड है वो मिल जाती है, पेट्रोल इंजन है तो ऑफकोर्स इसमें पेट्रोल ही डलेगा। अब गाड़ी के इंटीरियर पे आपको लेके आते हैं, लेकिन इंटीरियर के पहले एक बार देख लेते हैं गाड़ी की चाबी। ये होंडा अमेज एस वेरिएंट की चाबी है, आपको यहाँ पे लॉक और अनलॉक की कंट्रोल मिल जाते हैं, बड़ा ही सिंपल सा इसका की है। आप इसको अनलॉक करते हैं और चलते हैं, मैं चलता हूँ ड्राइवर सीट पे और आपको गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बार डोर ट्रिम्स पर नज़र मार लेते हैं। डोर पे आप देख सकते हैं कि ये आपको सिल्वर फिनिश विद ब्लैक एंड विद बेज आपको मिलता है। होंडा कहीं ना कहीं अपने बेज कलर के लिए जानी जाती है,
ये बेज यहाँ पे आपको फिनिश मिलता है। ये आप देख सकते हैं कंट्रोल्स, आपका मिरर ओपन क्लोज करने के लिए, मिरर एडजस्टमेंट करने के लिए आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। ऑल फोर पावर विंडोज इस गाड़ी में आपको मिल जाती है, अनलॉक अनलॉक के लिए, पिंच एंटी पिंच के लिए आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर की अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है और पीछे और कुछ सामान रखने के लिए आपको जगह मिल जाती है। चारों स्पीकर्स, गाड़ी में चार स्पीकर्स आते हैं, उनकी हाउसिंग भी आपको डोर्स पे मिल जाती है। चलिए पीछे वाला डोर भी आपको दिखा देते हैं। और पीछे वाले डोर पे आपको जो रियर सीट पैसेंजर के लिए जो डोर है वो आपको एक बार दिखा देते हैं, और फिर इस गाड़ी की कंफर्ट भी आपको दिखाते हैं। रियर पैसेंजर पे आपको बिल्कुल वही, आपको आपके मिरर्स एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, वही सिल्वर आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाता है। गाड़ी में अंदर बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ जो हेडरूम रियर पैसेंजर के लिए है वो कितना ज़बरदस्त है। देखिए होंडा क्या है ना कि ड्राइविंग के लिए भी ज़बरदस्त है और साथ ही साथ एक रियर पैसेंजर के लिए भी बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। तो अगर आप ड्राइव नहीं करते हैं, सिर्फ आपने ड्राइवर रखा हुआ है और आप गाड़ी में सिर्फ पीछे बैठ के जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पे कंफर्ट मिलेगा। लेग रूम आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त स्पेस के लिए। तो खैर होंडा होंडा जाना ही जाता है, होंडा जाना जाता है अपनी स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए, इंटीरियर्स में बैठने के लिए, आराम के लिए ज़्यादा जगह देने के लिए होंडा इस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। कुशनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है सीट्स की आपको, साथ ही साथ इस मिड वेरिएंट में कैन यू इमेजिन, आपको ये हैंड रेस्ट भी मिल जाता है पीछे दो कप होल्डर्स के साथ साथ। चलिए इसको वापस ऊपर रख देते हैं, आपको ये फिक्स हेड रेस्ट मिल जाते हैं गाड़ी में जो कि नॉट बैड, सही है। और आपको ये ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपके सफ़र को और आरामदायक बनाने के लिए। सीट बेल्ट आपको गाड़ी में मिल ही जाती हैं। और सबसे अच्छी बात, किस लिए बोलते हैं ये फैमिली कार है, क्योंकि फैमिली में छोटे बच्चे भी होते हैं, तो आइसोफिक्स सीट्स के लिए भी ऑप्शन आपको इस होंडा अमेज में मिल जाता है। पीछे कोई एसी वेंट नहीं मिलता है लेकिन फिर भी सफिशिएंट है, एक पावर आउटलेट पीछे आपको मिल जाता है जिसमें आप इंस्टॉल करा सकते हैं 12 वोल्ट के लिए, और अपना मोबाइल वगैरह चार्ज आप कर सकते हैं यहाँ पे रख के। और चलिए पीछे आते हैं, पीछे तो खैर हम आ चुके हैं और अब आपको मैं लेके चलता हूँ ड्राइवर सीट पे, और ड्राइवर सीट पे आपको दिखाता हूँ मैं कंट्रोल्स किस तरह से आपको मिलते हैं। ये होंडा का कन्वेंशनल स्टेयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, स्टेयरिंग व्हील पे ही आपको आपके मीडिया के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपको फ़ोन रिसीव और डिसकनेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पे है, और गाड़ी में सेफ्टी फीचर के तौर पर दो एयरबैग्स आपको विद ऑल वेरिएंट्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो एक एयरबैग का पोजिशनिंग यहाँ पे है आपको यहाँ पे, साथ ही साथ स्टेयरिंग व्हील पे आपको थोड़ा थोड़ा सिल्वर फिनिश आपको मिल जाता है जो थोड़ा सा लुक को एनहांस करता है गाड़ी के। गाड़ी के अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखेंगे तो ये आपको टोटली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सेंटर में आपको डिजिटल कंसोल मिलता है जहाँ पे आपको फ्यूल, आपको टाइम, रेंज क्या है वो सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आरपीएम मीटर आपको मिल जाता है, साथ ही में आपको यहाँ पे स्टेयरिंग जो आपका एक्सेलरेशन के लिए वो ऑप्शन मिल जाता है। आरपीएम मीटर को आप देख भी सकते हैं यूज़ में आते हुए। गाड़ी एकदम स्टार्ट है और बहुत ही साइलेंट है ये मैं बता देता हूँ आपको। आपको एसी वेंट्स अगेन विद द सिल्वर फिनिश आपको मिल जाते हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं, बहुत ही स्मूथ इनका कंट्रोल्स है। आपको अब सेंटर में भी एसी वेंट आपको दो यहाँ पे मिल जाते हैं और एक एसी वेंट आपको ऑफकोर्स को पैसेंजर के लिए यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी के सेंटर कंसोल की तरफ आते हैं तो बहुत ही आकर्षक सेंट्रल कंसोल आपको मिलता है। ये गाड़ी का टू डिन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है जो कि फैक्ट्री फिटेड है। आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स, आपको एफएम के कंट्रोल्स, आपको मीडिया सोर्सेज के कंट्रोल्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको ऑक्स के लिए आपको यहाँ पे जगह मिल जाती है, आप अपना ऑक्स केबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके साथ हम नीचे अगर आएँ तो ये आपको गाड़ी का एयर कंडीशनिंग यूनिट आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं एसी फिलहाल ऑन है गाड़ी का। आपको एयर थ्रो के ऑप्शंस, आपको एयर थ्रो पोजिशनिंग के ऑप्शंस, हीटर कूलिंग के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, एयर इनटेक के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सेंटर में अगर हम आते हैं गाड़ी के बीचों बीच तो आपको गियर की पोजिशनिंग यहाँ पे कुछ मिलती हुई जो कि होंडा, मतलब इस तरह के गियर नॉब्स मैंने तकरीबन होंडा की गाड़ियों में देखे हैं। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसके साथ साथ एक 1 एम्पीयर फील आपको ये यूएसबी पोर्ट काफ़ी कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करा देता है, आपको कुछ और इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं है, यहीं डायरेक्टली लगा के आप आपका मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। दो कप होल्डर मैंने आपको बता ही दिया, सिल्वर फिनिश, सिल्वर नहीं ये क्रोम फिनिश है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपको पार्किंग इंगेज डिसंगेज करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। कुछ स्पेस के लिए आपको यहाँ पे भी जगह मिल जाती है
जहाँ पे आप आपके पार्किंग टिकट्स, आपके कुछ कॉइन्स आप रख सकते हैं। तो ये है होंडा अमेज, और यहाँ पे आपको IRVM मिल ही जाता है जो कि डे नाइट ऑप्शन के साथ आता है। इसके साथ साथ आपको गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट के साथ साथ ऑफ कोर्स रिक्लाइनिंग तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। गाड़ी का अब आपको हम इंजन दिखाते हैं जो कि इसको बनाता है द वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड कार इन द कंट्री। गाड़ी का हुड, गाड़ी का इंजन आपको कुछ इस तरह का मिलता हुआ, होंडा आईवीटेक 4 सिलेंडर इंजन आपको इस गाड़ी में मिल जाता है आज के 3 सिलेंडर के दौर में। गाड़ी में आप देख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल कोई किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं है, लेकिन गाड़ी फिर भी इतनी रिफाइंड है कि आपको अंदर किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं मिलती है। तो ये गाड़ी का इंजन आपने देख लिया, बैटरी की प्लेसमेंट, आपको IC की प्लेसमेंट सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। चलिए इस हुड को बंद करते हैं और आपको लेके चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस में। गाड़ी का बूट स्पेस सेगमेंट में लीडिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। तकरीबन 400 लीटर के आसपास का जो बूट स्पेस है आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। काफ़ी सारे सामान आप बहुत ही ईजिली इस गाड़ी में रख के ले जा सकते हैं। गाड़ी में आपको यहाँ पे बूट में ही ये लाइट मिल जाती है जो कि थोड़ा और कन्वीनियंस यूज़र को प्रोवाइड करती है। स्टीप है तो ईजिली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान इस गाड़ी में आ सकता है। इसको भी आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका एक स्पेयर व्हील, आपको इस गाड़ी का यहाँ पे आपको मिल जाता है विद ऑल द टूल किट्स। तो ये थी आपके लिए होंडा अमेज S वेरिएंट IVTEC। फिलहाल अगर हम मैं बात करूँ इसके कंपेटिटर्स की तो इसमें आपको Hyundai Aura मिल जाती है, मारुति की डिज़ायर मिल जाती है, लेकिन आप खुद उन गाड़ियों को देखिए और उसके बाद इस अमेज को देखिए, किसी भी मामले में लुक्स, कंफर्ट, कन्वीनियंस, सेफ्टी, रिफाइनमेंट, किसी भी मामले में ये गाड़ी किसी और गाड़ी से कम नहीं है, बल्कि एक कदम आगे ही है। तो लेके आए थे आपके लिए होंडा अमेज S IVTEC वेरिएंट। बने रही ऑटो चैनल के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।